परिजनों की तरफ से, यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक साल बीतने को हुए हैं कानून व्यवस्था की बात करने वाली योगी सरकार ने, हालांकि इसमें बहुत से मुलजिमों को पकड़ा है, लगभग देखा जाए तो 3 दर्जन मुलजिम जो है जेल में है और कई लगभग 4 लोगों का पुलिस इनकाउंटर हुआ है जो मुख्य शूटर थे, हमलावर थे, लेकिन इसमें से अभी 3 जो शूटर मुख्य शूटर थे गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी, ये 3 ऐसे शूटर थे जो अभी भी पुलिस के गिरफ्त के बाहर हैं और परिजनों का लगातार ये कहना है कि अभी उनके ऊपर जान का खतरा भरा हुआ है। माता जी, अभी भी आप उस मंजर को याद कर रही होंगी। हाँ। बेटा, मंजर को जिस दिन से मेरे बेटे की हत्या हुई है, अब हम आपको कैसे बताएं, 1 साल गुजर गया, कौन सा दिन ऐसा है जो कि मेरे आँख से आंसू न निकले। हम तो अभी भी तड़प रहे हैं, अब मेरे मन से हमेशा बददुआएं निकलती हैं, अब वो बददुआ को हम कितना बख्शायन करें। मेरे दिल की दर्द वही मुख्यमंत्री योगी जी जाने और वही सारी निर्णय करें, उन्हीं के ऊपर भरोसा है। अभी जो भी बचे हैं वो भी, उनसे भी जो भी बचे हुए हैं उनके साथ बहुत कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, जिससे कि हमारे परिवार को सुरक्षा मिले। हमें क्या, हम तो बूढ़े आदमी हैं, हमें 4 दिन की सारा हमें मौत हो जाए तो और अच्छा है। सबसे प्रिय बेटा आपका था तो उसको याद करते हैं तो आंखें भर आती हैं। बेटा, हमारे बेटे की यादगासी तो न हमें रात भूलती न दिन भूलती, उसके याद में तो हम रात दिन तड़पते हैं। ना मुझे पानी ना खाना कुछ नहीं अच्छा लगता, 1 साल हमने कैसे गुजारे हैं वो मेरा ही दिल जानता है। 1 साल होने को हुआ, आज फिर से वही तारीख है, मंजर तो दिल में दिमाग में बसा हुआ है। श्रद्धांजलि सभा की फिलहाल कैसे तैयारी कर रहे? आपके माध्यम से मेरी बातें सर समाज में जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगी जो कि मुझे न्याय दिलाए हैं और जो पिता का कर्तव्य है उन्होंने बखूबी निभाया है। मैं चाहूंगी कि आगे भी इसी प्रकार से वो निभाते रहेंगे। और घटना 24 को जो साल भर हो रही है, प्रतिदिन घड़ी समय कभी भी स्मृति जाती नहीं है, वो हमेशा दिमाग में बनी रहती है कि ऐसे रहते थे तो ये बोलते थे, ऐसे रहते थे तो वो कहते थे। कोई दिन कोई समय आंसुओं की घड़ी कब नहीं होती, जब सोचो तब अपने आप ही आंसू बाहर निकल आते हैं। बच्चे भी याद करते होंगे पिता को? बड़े बच्चे तो समझदार हैं, वो जानते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो कहते कि पापा हॉस्पिटल में है, छोटी बेटी है वो कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी तो पापा का इलाज करूंगी। छोटे बच्चे तो अभी समझदार नहीं है तो उन्हें क्या पता कि क्या हुआ है क्या नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में जो लोग शामिल थे उसमें बहुतों को तो सजा मिल गई, लेकिन अभी भी देखा जाए तो उसमें से जो मुख्य 5 हैं वो अभी बाहर हैं, तो उनको लेकर योगी आदित्यनाथ जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बात कहूंगी क्योंकि वो जो बचे हुए हैं गुड्डू बम्बा, साबिर, अरमान, साहिस्ता और कहीं ना कहीं जैनब साथ में, ये सब लोग इस साजिश में बिल्कुल लगे हुए थे और मेरे 2 सुरक्षाकर्मी भी इस घटना में शहीद हो गए, तो मैं चाहूंगी कि उनको भी उसी प्रकार से उन्हीं तरह से किया जाए जिस प्रकार से इन्होंने मेरे परिवार और मेरे सिपाहियों की हत्या करवाई थी। जैसे उमेश पाल जी का भी एक सपना था कि वो राजनीति में सक्रिय थे और किसी बड़े जनप्रतिनिधि के रूप में अपने को स्थापित करने में प्रयास कर रहे थे, उनकी उस मुहिम को कुछ आप आगे बढ़ाना चाहती हैं? उनके पद चिन्हों पर मैं भी चलना चाहूँगी क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए कर रहे थे। ये न्याय की जो लड़ाई लड़े हैं वो अपने लिए नहीं लड़े थे, वो सर्व समाज के लिए लड़े थे, उसमें आप भी शामिल हैं, हम सभी शामिल हैं। कहीं ना कहीं ऊपरी भी, ऊपर के लोगों को भी सुरक्षा मिली तो उनके पद चिन्हों पर चलना चाहूँगी। जो लोग गुड्डू मुस्लिम जैसे आदि अपराधी जो है बाहर छुपे हुए हैं, पूरे परिवार को, जयापाल जी को पूरा सदमा लगा हुआ है कि ये जब तक मारे नहीं जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, हमारा भी जीवन सुरक्षित नहीं है।
देख सकते हैं हम उस गली में मौजूद हैं जिस गली में हमला हुआ था, घर के अंदर घुसकर जिस गलियों को अगर आप रिसीवर करते हैं तो इसी गली से अंदर उमेश पाल लगातार भागते हुए जा रहे थे और पीछे हमलावर थे, बड़ी संख्या में हमलावर थे और लगातार उनके पीछे जा रहे थे। और जैसे यहाँ घटना पुनरावृत्त हुई थी उसकी बाकायदे सीसीटीवी फुटेज जारी हुए थे और एक एक फुटेज में है पूरी घटना को सिलसिलेवार मिनट टू मिनट दिखाया गया था और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। लेकिन परिजनों को अभी भी खतरा महसूस है, उनका कहना है कि ऐसे जो प्रमुख अभी भी तीन शूटर जो थे वो बाहर है और उसको देखते हुए उनके जान पर अभी भी खतरा है, उनके परिजनों को जान को खतरा है। लेकिन फिलहाल एक साल बीतना है और श्रद्धांजलि सभा 24 फरवरी को तैयारी है। श्रद्धांजलि सभा में बहुत बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित होंगे। ताकि जया पाल का भी ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ उनके पिता के समान है और उन्हें उनके ऊपर पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था का काम उनका है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया है। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए मैं शिवपूजन सिंह।